सो हे गाइस, आज हम दोबारा से यूनिवर्स और द मार्शल गॉड के एपिसोड 3 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यार आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगा। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पर्पल मून थी वो एक पत्थर पे हुए लटकी हुई थी। अब यहाँ पे उन्हें देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं, उन्हें कोई ना कोई जैसे जैसे करके बचाना होगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं टोंग को, जो कि स्टेज 6 के अंदर अपनी जगह बनाना चाह रहा था। अब यहाँ पे उसके लिए उसे उस बैरियर को तोड़ना पड़ता है उसे। अब यहाँ पे पर्पल मून बिना किसी की हेल्प के उसके पत्थर के ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पे वो पर्पल मून बताते हैं कि मुझे जैसे तैसे करके इस मैच को जीतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी यान सिटी की पूरी उम्मीदें लगी हुई हैं। अब यहाँ पे दोबारा से जो टोंग पर्पल मून के ऊपर हमला करने लग जाता है। यहाँ पे जैसे तैसे करके तो पर्पल मून यहाँ तक आई थी। अब यहाँ पे पर्पल मून मना करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, और यहाँ पे जो टोंग था वो भी बताता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा अगर तुम हार मान लो तो। यहाँ पे पर्पल मून बताती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उस बैरियर के अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम चाहो तो मेरे से लड़ाई लेके जा सकते हो। मगर यहाँ पे टोंग बिना किसी की सुनते हुए उस बैरियर के अंदर चला जाता है, और यहाँ पे पर्पल मून चक्कर खा के नीचे गिर जाती है, और उतनी ही देर में लिंगडोंग उसे संभाल लेता है। अब यहाँ पे लिंगडोंग बताता है कि तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पे जो पर्पल मून थी वो बोलती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मैच को हार जाऊंगी। अब यहाँ पे लिंगडोंग पूछता है ऐसा क्या हुआ। यहाँ पे पर्पल मून थी वो बताती है कि टोंग स्टेज 6 तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पे उसे हराने के लिए तो काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पे लिंगडोंग सीधा उधरी चला जाता है जहाँ पे टोंग था। मगर उससे पहले जो पर्पल मून थी वो बताती है कि उस बैरियर को तोड़ने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है लिंगडोंग। मगर यहाँ पे लिंगडोंग अपने एक ही पंच में मारने का ट्राई करता है, मगर यहाँ पे नहीं खुलता। अब यहाँ पे अपनी पूरी पावर से मारने के बाद वो डायरेक्ट उस बैरियर, मतलब यहाँ पे वो भी स्टेज 6 के अंदर आ चुका था। और ये चीज देख के पर्पल मून काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि हाँ उसने कर लिया, और हो सकता है यही इस मैच जीत पाए। एंड देन हम यहाँ पे देखते हैं उस बैटल टावर के आउटसाइड, यहाँ पे जितने भी ग्रैंड मास्टर थे वो भी साथ में उस होलोग्राम को देख रहे थे कि ये लोग देख लेते हैं कि हाँ कोई लेवल या कह सकते हैं स्टेज 6 तक पहुंच चुका है, और ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अब जो ग्रैंड मास्टर हैन थे वो बताते हैं हो सकता है जरूर टोंग ही होगा, क्योंकि इतनी पावर से उस बैरियर को तोड़ने की हिम्मत सिर्फ ये टोंग ही कर सकता है। मगर यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर थे लिंगडोंग के वो कुछ बोलते नहीं है, उन्हें पता था आगे देखने वाला ही कुछ होगा। फिर उतनी ही देर में एक रेड डॉट जो भी ऊपर की तरफ हो जाता है, उन लोगों को समझ आ चुका था, मतलब दोनों ही टीम में से कोई ना कोई एक एक जना ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर थे लिंगडोंग के वो समझ चुके थे हाँ इसका मतलब यहाँ पे पर्पल मून की जगह जो लिंगडोंग है वो ऊपर पहुंच चुका है। अब हम यहाँ देखते हैं स्टेज 6 के अंदर, जो कि ऊपर की तरफ काफी ज्यादा बुरी तरह से जो पत्थर होते हैं वो गोल गोल घूम रहे थे, और उसके अंदर तो बिजली भी काफी ज्यादा बुरी तरह से चमक रही होती है। अब इस जगह से बाहर निकलना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि वो पत्थर सीधा उन लोगों के ऊपर आके गिर रहे थे। एंड देन हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो टोंग था वो ऊपर की तरफ से नीचे देख रहा होता है लिंगडोंग को, और बोलता है कि लिंगडोंग तुम यहाँ आ चुके हो पर इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा, और इससे आगे जाना, क्योंकि इससे आगे फिर तुम मेरे से ही लड़ाई लोगे। अब इतना कह के यहाँ पे टोंग ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, और लिंगडोंग भी अपनी पूरी पावर के साथ ऊपर जाता है, जाकि जिसके चलते वो सीधा टोंग के पास आके रुकता है। एंड देन हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो तो सीधा टोंग लिंगडोंग के ऊपर हमले करने लग जाता है अपने एरो से, मगर यहाँ पे लिंगडोंग भी शांत नहीं बैठता। यहाँ पे लिंगडोंग ने भी अपने कुछ नीडल्स निकाल के सीधा टोंग के ऊपर हमला कर दिए थे, और यहाँ पे टोंग ने अपनी पूरी पावर के साथ एक ऐसी स्वॉर्ड बनाई जो की सिर्फ लिंगडोंग के लिए बनी थी, जो की उसके लिए लड़ाई लेती। अब यहाँ पे जो लिंगडोंग के नीडल्स थे वो तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाते उस स्वॉर्ड के सामने, क्योंकि वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। अब वो स्वॉर्ड सीधा लिंगडोंग के पास आ ही रही थी, मगर यहाँ पे लिंगडोंग को जैसे तैसे करके उस शॉट से बचना था। अब यहाँ पे लिंगडोंग तो उस शॉट से बच जाता है, मगर यहाँ पे जो टोंग था वो सीधा उस स्टेज पे, मतलब कह सकते हैं उस पत्थर पे आ चुका था, जो कि सीधा उसे एक नए नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा देगा, और उतनी देर में लिंगडोंग भी वहां पे आ जाता है। अब यहाँ पे टोंग लिंगडोंग की काफी ज्यादा तारीफ करता है, हाँ ये बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी जो तुम्हारी एबिलिटी है जो की काफी ज्यादा सही है। अब यहाँ पे जो टोंग था वो बताता है कि तुम्हें चाओजू के बारे में पता होगा, जहाँ पे तुमने इससे लड़ाई ली थी, और तुम्हें तो आगे पता चल जाएगा चाओजी के जो भाई हैं वो और भी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, और वो तो 8 स्टेज में, तुम्हें तो ये कुछ भी नहीं है अभी 8 स्टेज, मगर इसके आगे जो तुम्हें और भी स्टेज मिलेंगे वो और भी ज्यादा परेशान होंगे। गाइस ये स्टेज जो आगे के हैं वो सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि ये आगे की फाइट की बात कर रहे हैं,
एक स्टेज के बाद यहाँ पे ये बैटल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे लिंगलोंग बताता है कि मुझे चाउजी से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे उतने ही देर में देखते हैं कि ऊपर से एक आग का गोला, उसके अंदर से आग काफी ज्यादा बरस रही थी। अब ऐसा लगता नहीं था कि ये लोग आसानी से उस आग से बच पाएंगे। और उतने ही देर में लिंगलोंग अपनी बैरियर सील से उसके अंदर एनर्जी डालने लग जाता है। और वहां पे देखते हैं कि यहाँ पे जो टोंग था अपनी कुछ 1000 एरो को भी सीधा उस फायर के अंदर डालने लग जाता है, जिसके चलते वो उसी टाइम उधर टूट जाए। और हम देखते हैं यहाँ पे वो टूट तो चुकी थी, पर उतनी ही देर में ये लोग भी अलग अलग हो चुके थे, जो कि काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, क्योंकि जो इनकी पावर थी वो सीधा उस फायर ने तो सोख ली थी। अब इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पे टोंग सीधा ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, जो कि लार्ज स्टेज था। अब यहाँ पे उतनी देर में उस लार्ज स्टेज में से कुछ कैप्सूल छोटे छोटे से बाहर आते हैं, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि हाँ उसके अंदर से कुछ खास बात है। और जैसे ही टोंग हल्का सा और मूव करता है, वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा तेजी से बाहर आती है और सीधा टोंग को लगने के बाद टोंग भी नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे लिंगडोंग ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, ये चीज कैसे नीचे आ गई। और यहाँ पे लिंगडोंग भी ट्राई करता है कि क्या पता वो एक बार में निकल पाए, मगर यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी लिंगडोंग को उस चीज के कब्जे में ले लेती है। अब यहाँ पे दोनों ही अपोनेंट एक तरह से नीचे गिरे हुए थे, क्योंकि उस बैरियर से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ऐसा आसान नहीं होता इस लार्ज स्टेज से बाहर निकलना। और इसी के साथ ये पार्ट 1 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप यार सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना एक बार, और क्या इंप्रूव करना चाहिए हमें वो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, नोटिफिकेशन को अलाउ तो जरूर रखना सब्सक्राइब करने पर।